देखते हैं रोजाना लगभग वहाँ पर सीएम धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं सीए के खिलाफ, कब तक चलेगा ये? जब तक सीए पूरा नहीं होता है प्रक्रिया तब तक चलेगा जी, और जब तक उनकी सरकार रही तब तक धरना चलेगा जी। तो क्या बंगाल सिर्फ धरना प्रदर्शन की राजनीति, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्यपाल के साथ वहाँ पर व्यवहार हो रहा है ऐसा कहीं और देखने को मिलता नहीं? नहीं, ये तो पहले से ही था सीपीएम के ज़माने से कि केंद्र का विरोध करो और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अति हो गया। बंगाल के लोग भी नहीं चाह रहे कि इस प्रकार डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स, और भी परिवर्तन चाह रहे हैं, तभी तो 2,30,00,000 वोट हमको दिया लोगों ने जी जी। और अभी कुछ आपके भी बयान थे उनको लेकर विवाद हुआ, उस पर किस तरह? नहीं देखिए, जो बात कोई बोला नहीं था, आँख पे आँख रख के बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो मैंने बोला आज जी। समाज हमको अप्रिसिएट किया है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है, अब उन तीन तीर जो था वो चला दिया, ये बीसी लोगों को धरना में बैठा दिया, आईपीएस लोगों को बैठा दिया, अभी सारे बुद्धिजीवी कहते हैं जिनको, ये सारे लोग रास्ते में घूम रहे हैं, क्योंकि सबका भविष्य संकट में है जी। ये जो कमाओ खाओ की राजनीति चल रही थी वो बंद होने वाली है जी। और अभी जिस तरह से हम देख रहे थे कि गृहमंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, कुछ लगता है कि आपको, आपने, आप लोगों ने वादा किया था हम लोकसभा चुनाव में आए थे कि एनआरसी लाएंगे, एनआरसी को लेकर जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि अभी तक कुछ रूपरेखा नहीं है, लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग वहाँ पे लाएंगे? एनआरसी की चर्चा कभी नहीं की हम लोगों ने, वो तो आसाम का मामला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, हमारी कुछ कहने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देश में एनआरसी चाहिए तभी उन्होंने आदेश दिया, और वो हमारी सरकार है इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर हम मानते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि बंगाल में सबसे पहले एनआरसी चाहिए, लेकिन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा वो देखेंगे हम, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को हम ढो रहे हैं।